लगातार बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर रांची से एक बड़ी खबर से करते बुलेटिन की शुरुआत। संगठित अपराध गिरोह के खिलाफ एटीएस की बड़ी कार्रवाई हुई है। रांची के डोरंडा इलाके में एटीएस की छापेमारी चल रही है। डोरंडा के हीरो स्थित कौशल्या विला में चल रहा है ये छापेमारी अभियान। सरोज अपार्टमेंट में भी एटीएस ने छापेमारी की है। श्रीवास्तव गैंग से जुड़े अपराधियों के ठिकानों पर एटीएस का सर्च अभियान चल रहा है। ये बहुत बड़ी खबर। अब संगठित अपराध पर नकेल कसने के लिए पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की जा रही है और इससे पहले भी कई जिलों में बड़ी संख्या में अपराधियों को पकड़ा गया है गुप्त सूचना के आधार पर। और इसी कड़ी में राजधानी रांची में भी एटीएस ने यह कार्रवाई की है, छापेमारी की है। श्रीवास्तव गैंग के अपराधियों के ठिकानों पर ये एटीएस की दबिश है। तो राजधानी रांची को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में और यहां पर कानून का राज कायम करने की कोशिश में ही पुलिस की ओर से यह बड़ी कार्रवाई, एटीएस ने छापा मारा है डोरंडा इलाके में और कई जगहों पर भी एटीएस के छापेमारी की खबर है। तो ये बड़ी खबर अपने आप में। और इमरान, इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। इमरान, निश्चित तौर पर शहर को अपराध मुक्त बनाने और यहां पर कानून व्यवस्था का राज कायम करने के लिए दबिश आखिर पुलिस ने दे ही दी है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है, क्या गिरफ्तारियां भी हुई है? देखिए, रांची के डोरंडा इलाके के हिनू आइलेक्स के पास कौशल्या विला और सरोज अपार्टमेंट करके दो जगह है जहां पर जो श्रीवास्तव गैंग से जुड़े जो पूर्व के कुछ लोग रहा करते थे, उनके जो संपत्ति है, उनके जो अपने अपार्टमेंट है, उन तमाम जगहों पर एटीएस और जो डोरंडा थाने की पुलिस है वो ज्वाइंट रूप से यहां पे पहुंची है। कौशल्या विला में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि इस जगहों पर किस तरह के चीजें मौजूद है। चूंकि पिछले दिनों जब एटीएस ने छापेमारी की थी तो इस छापेमारी के दौरान जो एक रिवॉल्वर, छह जिंदा कारतूस और लगभग 35 लाख रुपए जो है वह बरामद की गई थी। और इसी के आधार पर जब पूछताछ की गई थी तो 5 लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें से मध्य प्रदेश, चतरा, रांची सहित कई जगहों पर ये जो कनेक्शन है वो जुड़ रहा था। तो ऐसे में अब एक बार फिर से जब उन तमाम लोगों से पूछताछ की गई तो पूछताछ के बाद श्रीवास्तव गैंग से जुड़े जो अन्य लोग थे जिनकी गिरफ्तारी की गई थी, प्रिंस श्रीवास्तव सहित अन्य लोगों की से जब पूछताछ की गई तो पूछताछ के आधार पर पुलिस ने, एटीएस ने इस जगह पर दोबारा पहुंची है और उस जगह पर लगातार जो है वो सर्च कर रही है, कमरों की तलाशी ली जा रही है। कमरों की तलाशी के दौरान हालांकि क्या कुछ मिला उसकी जानकारी फिलहाल अंदर से नहीं आ पाई, लेकिन इतना तो साफ है कि संगठित अपराध गिरोह जो है वो इनपुट मिले थे उसके आधार पर कार्रवाई, या फिर अब ये पूरी कोशिश की जा रही है कि संगठित अपराध पर नकेल कसना और इसलिए अलग अलग जो गिरोह है उनके खिलाफ ये कार्रवाई है, या कुछ इनपुट अचानक से मिला था? देखिए, बिल्कुल संगठित अपराध गिरोह जो है उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले दिनों अमन श्रीवास्तव, अमन साहू से जुड़े मामलों पर कार्रवाई की गई थी, उसके बाद जो श्रीवास्तव गैंग है उनसे जुड़े लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो ऐसे गिरोह जो लगातार आपराधिक घटनाओं में सक्रिय रह चुके हैं और उनसे कुछ जो संपत्ति है जो बरामद की गई, बनाई गई है, उन तमाम जगहों पर एटीएस की टीम पहुंच रही है और उनके बारे में पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है कि आखिर किस तरह की गतिविधियां में ये अब शामिल है और किस तरह की गतिविधियों में शामिल रह चुके हैं। तो एटीएस के जो लोग यहाँ पे वो लगातार जब कमरे की तलाशी ले रहे हैं, जानकारी जुटाई जा रही है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर यहाँ से इनको अरवे हथियार बरामद किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई एटीएस की होगी। क्योंकि पूर्व में भी जब रांची में मोराबादी, चान्हो, खिलाड़ी, इन तमाम जगहों पर जब एटीएस ने छापेमारी की थी, इसके बाद मध्य प्रदेश में छापेमारी किया गया था, इस जगह से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, हथियार भी बरामद हुआ था, गोली भी बरामद की गई थी, तकरीबन 35 लाख रुपए भी बरामद किया गया था। तो जो इनपुट्स मिले थे एटीएस को, उस एटीएस के इनपुट के आधार पर यह पूरी जो कार्रवाई है वो कार्रवाई देखने को मिल रही है। अब एटीएस के द्वारा जिस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है, अब देखना होगा कि छापामारी के बाद क्या कुछ बरामद किया जाता है, क्योंकि प्रिंस श्रीवास्तव और श्रीवास्तव गैंग अपने आप में काफी सक्रिय रह चुका है एक समय पर और इनकी अपनी दबिश जो है वो कई इलाकों में, हजारीबाग सहित कई कोलवरी इलाके में इन सारी चीजों को देखने को मिलता है। ऐसे में समझ ना होगा कि किस तरह से ये जो लोग हैं वो लगातार कार्रवाई करते हैं और इस कार्रवाई का असर कितना दिखता है इस पर देखने वाली बात होगी। लेकिन तो साफ है कि संगठित आपराधिक गिरोह के जो लोग हैं उनके ठिकानों पर एटीएस जब भी पहुंचती है उनके कमर
कमर तोड़ दिया जाता है ताकि वो दोबारा से संगठित आपराधिक घटनाओं को अंजाम ना दे पाए, जिससे की घटना को ये लगातार अर्जित करते आए हैं, पैसे कमाते आए हैं, चाहे जिस रूप से कमाए गए हैं उनके सारे डिटेल जो है एटीएस खंगालती है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है जिसमें न सिर्फ अपराधियों पर नकेल कसा जा रहा बल्कि उनकी अर्जित की गई संपत्तियों को भी सील करने की कोशिश, जब्त करने की कोशिश भी है, ताकि जो इनका आपराधिक गिरोह चल रहा होता है उनकी जो फंडिंग हो रही होती है उन तमाम चीजों पर नकेल कसा जा सके और अपराध पर लगाम लगाया जा सके शहर में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े इमरान, इस खबर पर पूरी जानकारी दी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।